कांग्रेस ने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के विदेशी दौरे पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी दलाल जी, हरियाणा सरकार के अंदर मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कोई ना कोई बहाना बना करके वो किस तरीके से विदेशी दौरों पे जाएं। और जहां तक श्री ओम प्रकाश धनखड़ का सवाल है, उनका जो महकमा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, दोनों महकमों की इतनी पतली और दयनीय हालत बनी हुई है कि मंत्री जी को महकमों का कुछ मालूम नहीं रहता। पहले भी वो विदेशी दौरे महकमों में सुधार करने के लिए उन्होंने किए हैं, लेकिन उनके दौरों का, उनके महकमों में कोई सुधार हुआ हो ऐसा हमें कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आई। तो इसलिए जो टैक्स पेयर्स की जो धन है, जो लोगों की खून पसीने की कमाई खजाने में जो रहती है, उसे मंत्रियों को अपनी मौज मस्ती पर खर्च नहीं करना चाहिए। और विदेशी दौरों को ये करें, लेकिन उन दौरों का महकमों में कोई फायदा हो वो तो कम से कम बताएं। आज हरियाणा के जो किसानों की बदहाली आए दिन हुई रहती है, और विदेशी कंपनियों को धनखड़ साहब ने यहाँ फसल बीमा योजना में, जो उनको ये लोगों की मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से फसल बीमा योजना का जो काम दिया है, आज उन तमाम विदेशी कंपनियों की जो फसल बीमा योजना का धंधा करते हैं, उनकी पौंवारा हो चुकी है। तो हो सकता है मंत्री जी उन फसल बीमा योजना प्राय जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे मिलने, मेल जोल बनाने के लिए जा रहे हों। दलाल साहब, अभी जिस तरह से आपने आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पहले भी विदेश हो गया है, लेकिन विभागों में कोई सुधार नहीं हुआ, क्या कारण है? किस लिए विदेशी दौरे कर रहे हैं फिर अगर सुधार नहीं हुआ? यही हम इनसे जानना चाहते हैं कि मंत्री जी जब इतने दौरों के बाद भी इन महकमों में कोई सुधार नहीं कर सके, तो बार बार इस लोगों के धन को इस तरह से व्यर्थ में क्यों खराब कर रहे हैं। और हमारे अपने हरियाणा के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या जो महकमों के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ करके पहले ये जो महकमों की दिक्कत है उनको समझें, किसानों के साथ बैठें, किसानों से बात करें उनकी क्या दिक्कत है, उसके बाद अगर कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो ये जरूर जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी अपने काम और धंधों को देखने के लिए, या जो जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं जिन्होंने फसल बीमा योजना का धंधा यहाँ किया हुआ है, उनसे कोई मिलने या मेल बनाने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे होंगे। दलाल साहब, आप भी कृषि मंत्री रहे हैं, आपको लगता है कि विदेशों में जाकर हरियाणा को कुछ ना कुछ फायदा होगा? देखिए, हमें अपने देश की जो हमारी अपनी जो फसलें हैं, जो हमारा अपना उत्पादन है, हमें उनके अंदर गुणवत्ता को बढ़ाने के ऊपर जोर देना चाहिए, ना कि विदेशी तकनीकी को बार बार देश के अंदर जो थोपा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी होने के नारे देती है, भारत माता की जय बोलती है, ऊपर से जो विदेशी कंपनियों को और विदेशी जो वहां का जो सिस्टम है, बीज है, खाद है, इनको तो उल्टा कम करना चाहिए। और अपने ही किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारा अपना बीज है, हमारे अपने खाद्यान्न हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ के अपने साइंटिस्ट के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल। इनका आरोप है कि कृषि मंत्री विदेशी दौरे करके प्रदेश के लोगों की खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक मंत्री जी ने जितने भी दौरे किए हैं, विभागों में उनका कुछ असर दिखाई नहीं देता। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।